मैं बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी। हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोष, और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, हाँ? और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यह सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियां क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर है? आखिर कसूर क्या है हमारा?